कितनी महंगाई है, उसके बावजूद अलहमदुल्ला उलमा खुतबा को तुसी पुछ के वेखो टाइम ही कोई नहीं। पहले तो वद के महफला ने, क्यों? ये जिम्मा रब ने अपने जिम्मे लिया है। वरफअना लक जिक्र अल्लाह फरमांदा सोहणिया असां तुहाडे वास्ते ही तुहाडे जिक्र नूं बुलंद फरमा दिता है। वलल आखिरतु खैरुलक मिन अलूला, ते जिवें जिवें वक्त गुजरता जाएगा हजूर दी जिंदगी दी जितनियां घड़ियां गुजर गईयां आउण वाली घड़ी पहले वाली घड़ी तो ज्यादा बेहतर होवेगी। ते रोकण वाले रोक रोक के सड़ के सुआ हो गए ने, लेकिन कमी नहीं आई। मुहद्दिस आदम पाकिस्तान सैयदी वसानदी हजरत मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फैसलाबादी, आप फरमांदे ने मौलाना फजलुर रहमान गंजबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप बड़ी धूमधाम नाल हजूर दे मिलादी महफिल सजांदे सन। बड़ा जौक ते बड़ा शौक ते बड़ा एहतमाम हुंदा। ते अजकल ते बत्तियां लगदियां ने, मिर्चां लगदियां ने, उदों कंदीलां रोशन करदे सन, मोमबत्तियां रोशन करते सन, मिट्टी के दीवे विच तेल पा के या घ्यो पा के वह बत्तियां पा के वह जलाते सन। जिवें तिवें दौर गुजरता जा रहा है, जिद्दत आ रही है। आपने हजूर दे मिलाद की महफल सजाई तो कंदीलें मस्जिद दियां चार दीवारां ते लाइया। एक बड़ा समा बन गया तो एक बंदा आ गया, उन्हें कहा बाबा ये क्या कम लगे, ये तो फजूल खर्ची है, ऐ तो फजूल खर्ची है। तो कुरान नहीं पढ़िया? कुरान फरमांदा वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़िरीन कानू इख्वाने शयातीन, जेड़ा फजूल खर्ची करे तो शैतान दा भरा है। ऐ जो दीवा बलना पिया ऐ फजूल खर्ची है, तेल एवें जर रहा दा फायदा ही कोई नहीं। ते आपने फरमाया तू की चाहना, उन्हें कहा जनाब बुझाओ इन्हां नूं। आपने फरमाया मैं ते हजूर दी मुहब्बत च बालियां ने, जे तैनू फजूल खर्ची लगती है तो फिर बुझा दे। उन्हें कहा इजाजत है, फरमाया इजाजत है। हुण गया दौड़ के, उन्हें कहा लो जी आ ते फजूल खर्ची खत्म करिए ना। उन्हें एक किंदील नूं फूक मारी बुझ गई, दूजी नूं जदों बुझाउण लग्या वह भी बुझ गई, तो जदों पिछे मुड़ के वेख्या जिहड़ी बुझ गई सी दुबारा बल पई है। मुहद्दिस आजम बयान पे फरमाते हैं, ये वो मुहद्दिस आजम है जिन्हें फैसलाबाद पिपल के थले आके मदरसा शुरू किया है। तो अज बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर कोई ऐसा आलिम नहीं जिहड़ा बिल वास्ता या बिला वास्ता जिन्हों उन्हों का फैज ना पहुंचा हो।